पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। आइटम नंबर 21, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। माननीय मंत्री जी। मैम, आई राइज टू मूव दैट द बिल टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल डोपिंग एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग एंटी डोपिंग एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट एंड कंप्लायंस ऑफ सच ऑब्लिगेशन सच अदर ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स देयर अंडर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। पर विशेष बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। खेल और खिलाड़ी ये सदा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने जीते और इसी तरह से ही पैरालंपिक्स की बात करूं तो 2012 में जितने लोगों का कंटिंजेंट 19 लोगों का गया था तो 19 मेडल इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में जीतने का काम हमने किया। डेफ ओलंपिक्स में भी 16 मेडल पहली बार जीता है तो भारतीय दल इस बार जीतने का काम हुआ है। बैडमिंटन हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर स्पोर्ट भी है, बड़े खिलाड़ी भी हुए, लेकिन थॉमस कप जो है 73 साल में कभी भी भारत नहीं जीता था, इस बार भारतीय दल ने गोल्ड मेडल जीतने का काम थॉमस कप में भी किया है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान खेलों में भी रहा तो इस बार के आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुझे हाउस को बताते हुए प्रसन्नता भी आपको जानकारी भी होगी निखत जरीन ने गोल्ड मेडल भी जीता तो वहीं पर मनीषा और हमारी बाकी खिलाड़ियों ने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम भी किया। अब नाडा की ज़रूरत क्यों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की? क्योंकि जब खेल और खिलाड़ियों की बात आती है तो एंटी डोपिंग के लिए कानून बने जिसकी कमी देखने को मिलती थी। हालांकि यूनेस्को कन्वेंशन पर हामी हमने बहुत वर्ष पहले भर दी थी, वाडा के अनुसार हमने अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए पिछली कॉमनवेल्थ गेम से पहले, एनडीटीएल की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबॉरेटरी की स्थापना भी की, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे कारण बने जिसके कारण उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, उसको वापस रिवोक किया गया, लेकिन कानून की कमी थी। बड़े बड़े देशों ने अपने कानून बना लिए थे, जैसे US, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ने, लेकिन भारत के पास अपने कानून की कमी थी। आज मैं ये सब हाउस के सामने लेकर आया हूँ, जहाँ एक और कानूनी व्यवस्था अमलीजामा भी इसको बनाने का अवसर मिलेगा, वहीं पर हमारी निर्भरता दुनिया भर में भारतीय खिलाड़ियों के सैंपल्स को भेजने की खत्म होगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बल इस बिल के कारण मिल पाएगा, यहाँ पर टेस्टिंग को लाभ मिल पाएगा। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है कि डिसिप्लिनरी पैनल हो तो वो है, वो निर्णय करता है, अपील पैनल है उस पर सदस्य हों, लेकिन अगर इसका कानूनी अमलीजामा नहीं होगा तो कोर्ट के ही चक्कर काटते, खिलाड़ियों का समय भी ज़्यादा लगता है। आज आप उसको इस हाउस में, मुझे पूर्ण विश्वास है, आम सहमति से हम लोग पास करेंगे, क्योंकि जितने भी माननीय सांसद यहाँ पर उपस्थित हैं सबके दिल में कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा भाव है और ये बिल भी उसी दिशा में हम लेकर आए हैं। मैं विस्तार में इसकी चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन आशा करता हूँ बड़ी सकारात्मक चर्चा भी यहाँ पर होगी और सब लोग इसका समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद श्री मनोज।